नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे युगांडा देश के बारे में। युगांडा उत्तर मध्य अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड देश उन देशों को कहते हैं जिनकी सीमा कहीं पर भी समुद्र को टच नहीं करती। युगांडा चारों तरफ से केनिया, तंजानिया, कॉन्गो एवं साउथ सूडान से घिरा देश होने के कारण लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है। दुनिया भर में 49 कंट्रीज़ ही लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला में अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। युगांडा की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। 2018 में युगांडा की जनसंख्या 4,27,00,000 के करीब दर्ज की गई थी। युगांडा एक आज़ाद देश है। युगांडा को 9 अक्टूबर 1962 में ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिली थी। युगांडा की 85% आबादी क्रिश्चियन है और 14% आबादी मुस्लिम है। युगांडा दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में शामिल है, मगर युगांडा के लोग प्रकृति प्रेमी होने के कारण काफ़ी खुश रहते हैं। युगांडा सरकार ने प्रकृति के प्रति सख्त कानून बना रखे हैं। उन्हीं कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण कानून कि यदि कोई व्यक्ति युगांडा में एक पेड़ काटता है तो उसे उसके बदले 3 पेड़ लगाने होते हैं। युगांडा में गोरिल्लाओं की संख्या अधिक होने के कारण इसे गोरिल्लाओं का देश भी कहा जाता है। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ गोरिल्लाओं को देखने आते हैं। युगांडा में चिंपैंजी भी भारी संख्या में देखे जा सकते हैं। यहाँ लगभग 5,000 चिंपैंजी हैं जिन्हें युगांडा के अलग अलग जंगलों में देखा जा सकता है। युगांडा के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि युगांडा को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती है। वो शादी के बाद से ही अपने उम्र के आखिरी पड़ाव तक बच्चे पैदा करती रहती हैं। यहाँ प्रत्येक महिला को कम से कम 7 से 8 बच्चे होते हैं। जानकारों का मानना है कि युगांडा वैसे ही पिछड़े और गरीब देशों की लिस्ट में शामिल है। अगर वहाँ की सरकार ने बढ़ती जनसंख्या पर जल्दी ही नियंत्रण नहीं किया तो वहाँ के लोग भूख और बेरोजगारी से मरने शुरू हो जाएंगे। युगांडा में जल स्रोतों की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पीने योग्य पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। युगांडा को प्रसिद्ध नील नदी का स्रोत भी माना जाता है। युगांडा में व्यवसाय की बहुत कमी है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कॉफ़ी और कॉटन है। कॉफ़ी के उत्पादन में युगांडा दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। युगांडा के लोग आने जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं। गरीबी अधिक होने के कारण यहाँ वाहनों की भारी कमी है। यहाँ के लोग टैक्सी के रूप में मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं। युगांडा की सड़कें भी अधिकतर कच्ची ही हैं। युगांडा में शिक्षा का बहुत अभाव है। यहाँ की बड़ी आबादी मात्र 8वीं तक ही पढ़ी है। युगांडा में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की भी भारी कमी है। गरीबी अधिक होने के कारण यहाँ के गिने चुने लोग ही विदेशों में पढ़ाई के लिए जा पाते हैं। शिक्षा का अभाव होने के कारण युगांडा की बड़ी आबादी HIV से ग्रसित है। युगांडा चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी पीछे है। यहाँ की जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार की तरफ से प्रयास जारी हैं, मगर वर्तमान में युगांडा में चिकित्सा व्यवस्थाओं का बहुत अभाव है। युगांडा में दुनिया का सबसे छोटा चर्च मौजूद है, जिसकी लंबाई 8 फुट और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। इस चर्च में एक बार में मात्र 3 लोग ही आ सकते हैं। वर्तमान में युगांडा को अफ्रीका का सबसे युवा देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ की लगभग आधी आबादी 14 वर्ष से भी कम आयु की है। युगांडा में रोजगार का इतना अभाव है कि यहाँ की महिलाएँ रोजगार के अभाव के कारण प्रोस्टिट्यूशन में उतर आती हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला रात होते होते रेड लाइट एरिया बन जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य खास जानकारी के साथ। नमस्कार।